चैप्टर 14 के दूसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे लॉरेंटस फोर्स, एम्पेयर्स लॉ, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड और टॉर्क। हमने दो तरह के फोर्सेस पढ़े जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर एक्ट करते हैं। एक, जब वो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर कूलम फोर्स एक्ट करता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। दूसरा वो फोर्स है कि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये बराबर होता है क्यू टाइम्स वी, वेलोसिटी चार्ज की, और बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मेरे पास एक ऐसी जगह हो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है और उसके उस जगह पर चार्ज मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर ये दोनों फोर्सेज एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। और हम इनकी यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फोर्सेस के बराबर है। ये दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे और उस कंबाइंड फोर्स को हम नाम देते हैं लॉरेंटस फोर्स का, जो के बराबर होती है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, यानी Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q टाइम्स V क्रॉस P के। एम्पेयर्स लॉ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा गॉसेस लॉ को रिवाइज करना चाहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड था। गॉसेस लॉ हमें यह बताता था कि अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है तो इसके अंदर से जितनी टोटल फ्लक्स बाहर आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो के बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ, इसका जितना टोटल फ्लक्स बाहर आ रहा होता है वो बराबर होता है जितना इस एरिया के अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास था गॉसेस लॉ। अब अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें सेकेंड स्टेप में, तो हम एक क्लोज सर्फेस लेते हैं और हम देखना चाहते हैं कि इसमें से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है। तो अगर आपको याद हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसा नहीं होता कि वो सर्कल में से बाहर निकल रही हो, वो लूप्स बनाती हैं, नॉर्थ से शुरू होती हैं लाइन साउथ पे खत्म होती हैं, नॉर्थ से शुरू होती हैं साउथ पे खत्म होती हैं, सारी लाइन सर्कल कंप्लीट करती हैं। इसलिए जितनी लाइन्स इस क्लोज सर्फेस में से बाहर निकलेंगी उतनी ही लाइंस इसके अंदर वापस आएंगी, तो टोटल फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा, जो के बराबर होता है, हमें यूं लिखना चाहिए, बी डॉट ए अगर हम क्लोज सरफेस के ऊपर लें तो वो जीरो होगा। अब हम लेकिन पता कराना चाहते हैं, हम ऐसा कोई लॉ मैग्नेटिक फील्ड के लिए बनाना चाहते हैं, उसके लिए एम्पेयर्स लॉ है जो कि हमें यह बताता है। थर्ड स्टेप में अब हम एम्पेयर्स लॉ देख रहे हैं। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर हो और उसके गिर्द हम एक हाइपोथेटिकल सर्कल कंसिडर करें और इस सर्कल को हम छोटे छोटे लेंथ के एलिमेंट्स में डिवाइड करें, लेंथ का एलिमेंट क्या होता है, डेल्टा एल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक छोटी सी लेंथ इसका मैग्नीट्यूड है और इसकी एक डायरेक्शन है, हर हर सर्कल में हर हर पॉइंट पे इसकी एक डायरेक्शन है, इस सर्कल के साथ टेंजेंट। इस लेंथ के एलिमेंट का मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ बी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इसके इस लेंथ के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है, हम इन दोनों के पैरेलल कंपोनेंट्स ले रहे हैं, इन सब पैरेलल कंपोनेंट्स को हम सम कर देते हैं पूरे इस सर्कल के ऊपर। तो ये चीज जब हम सम करते हैं बराबर होती है हमेशा म्यू नॉट टाइम्स जितना करंट इस ब्लू वायर में से गुजर रहा है उसके। तो यूं ये एक बहुत यूजफुल रिलेशनशिप है, जिस तरह गॉसेस लॉ एक बहुत यूजफुल रिलेशनशिप है, इसकी मदद से हमने बहुत सारी कैलकुलेशंस की थी, एम्पेयर्स लॉ की मदद से हम बहुत सारी यूजफुल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एक वायर को अगर हम स्प्रिंग की शक्ल में लूप्स दें तो ऐसे स्ट्रक्चर को सोलेनोइड कहते हैं। वायर के अंदर से अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ये सोलेनोइड भी एक कंडक्टिंग वायर है, इसको अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करें, इसमें से करंट फ्लो कराएं, तो हर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सर्कल्स में सेटअप हो जाएगी। इन सब मैग्नेटिक फील्ड ये सब आपस में एडअप हो जाती हैं और इसका टोटल इफेक्ट ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स सोलेनोइड के अंदर से स्ट्रेट लाइंस में मूव करी होती हैं और सोलेनोइड के बाहर से लूप्स में मूव करी होती हैं। असल में ये सोलेनोइड इस तरह हो जाता है जैसे एक बार मैग्नेट जिसका नॉर्थ और साउथ पोल हो और नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही होती हैं, इसी तरह ये सब फील्ड लाइन्स अपने ऊपर क्लोज हो रही होती हैं, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कल्स बना रही होती हैं, अंदर से स्ट्रेट लाइन और फिर बाहर से एक सर्कल बन रहा होता है। अब हम
सोलोनॉइड के ऊपर एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि एम्पेयर्स लॉ हमें बताता है कि एक वायर में से करंट फ्लो करा हो तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ एम्पेयर्स लॉ की मदद से. तो मैं सोलोनॉइड के गिर्द अगर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर या बाहर कैलकुलेट करना चाहती हूँ मैं एम्पेयर्स लॉ की मदद से कर सकती हूँ. तो फिर मैं सोलोनॉइड को यूँ ड्रॉ करती हूँ. ये सोलोनॉइड की लूप्स हैं. ये स्क्रीन से बाहर निकल रहा है डॉट और क्रॉस स्क्रीन के अंदर जा रहा है. मैं तीन लूप्स ड्रॉ करती हूँ या हम तीन से ज़्यादा ड्रॉ करते हैं. और अब हम एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करने के लिए एक लेंथ का एलिमेंट बनाएंगे. जब हमने वायर के ऊपर एम्पेयर्स लॉ अप्लाई किया था तो एक लूप लिया था और उसके गिर्द एक सर्कल इमेजिन किया था. अब हम दो दो लूप्स ले रहे हैं इस केस में और उन दो लूप्स के गिर्द हम एक स्क्वायर इमेजिन करें क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हमें ये सूट करता है. हर हर को मैं एक नाम दे देती हूँ L1, L2, L3 और L4. अब एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक मुझे इन सब को मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है. डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कौन से मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स उनके साथ पैरेलल हैं. सोलोनॉइड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है इसलिए हम उसको जीरो कंसिडर कर लेते हैं. और साइड्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर किस तरह जा रही हैं? स्ट्रेट लाइंस के अंदर यूं. तो साइड्स के ऊपर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री, जिसकी वजह से उसके डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा. सिर्फ अंदर जो चीज है इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा और ये इसकी कंट्रीब्यूशन होगी जो हमारे पास फाइनल आएगा रिजल्ट. इसमें कॉस जीरो है जिसकी वजह से L3B आ गया. इसको बराबर होना चाहिए म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट जो इन तीन लूप्स या दो लूप्स में से गुजरा है. इन दो लूप्स में से कितना करंट गुजरा है हम इमेजिन करते हैं कि हर हर लूप में से जो करंट गुजरा है वो आए है. N क्या है? नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ. ये पर यूनिट लेंथ है और N1 लेंथ में से कितना होगा? N टाइम्स L1. हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ को L1 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया कि इस L1 या L2 या L3 के अंदर टोटल कितने लूप्स थे. L3 हम कह देते हैं. L3 के अंदर कितने लूप्स थे? NL3. नंबर ऑफ लूप्स आ गए हमारे पास. मल्टीप्लाई कर दें इसको I के साथ क्योंकि हर हर लूप में जो करंट है वो I है. तो ये हमारे पास टोटल करंट आ गया और हमारे पास एम्पेयर्स लॉ हमने सोलेनोइड के ऊपर कामयाबी से अप्लाई कर दिया. NL3 I, L3 दोनों साइड से कट जाएगा और हमारे पास आ गया B म्यू नॉट N I सोलेनॉइड के लिए. एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक वायर रखी जाए और उसमें से करंट गुजरा हो तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है. अब हम इस वायर को एक लूप की शक्ल देते हैं और इसमें से हम करंट पास कराते हैं. जब इसमें से करंट पास होगा तो इस वायर के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं. करंट L क्रॉस B, लेंथ वायर की लेंथ है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं. इसलिए जिस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड और वायर आपस में पैरेलल हैं वहां पर कोई फोर्स नहीं होता, यानी कि इस हिस्से में और जो नीचे वाला इसका है. लेकिन जो हिस्से परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के वायर के उनके अंदर फोर्स अप्लाई होगा, उनके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा और उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से ले सकते हैं. अगर हम करंट यूं देखें, करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो राइट हैंड हमारा करंट की डायरेक्शन में हो और मैग्नेटिक फील्ड हमारी हाथ की उंगलियों की डायरेक्शन में हो तो हमें पता चलेगा कि वायर के इस हिस्से में स्क्रीन के अंदर करंट सॉरी फोर्स लग रहा है और इस हिस्से में स्क्रीन से बाहर फोर्स आ रहा है. अगर हम इसको टॉप से देखें, टॉप व्यू देखें, तो ये इसका सेंटर है. स्क्रीन के अंदर यूं फोर्स लग रहा है F1 और स्क्रीन से बाहर यूं फोर्स लग रहा है F2. इस फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. इन दोनों फोर्सेस चूंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है ये इस लूप को घुमा देंगे. अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है. टॉर्क होता है फोर्स और मोमेंट आर्म का क्रॉस प्रोडक्ट. मोमेंट आर्म होता है जो सेंटर ऑफ एक्सेस होता है से लेकर जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा होता है वहां तक का डिस्टेंस. फोर्स और मोमेंट आर्म का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेने. तो जब ये वायर हमारी इस पोजीशन में जिसमें मैंने ड्रॉ की है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं सॉरी किसी और कलर से ड्रॉ करती हूँ. ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब ये पैरेलल है तो तब तो हमारी ठीक है, फोर्स फोर्स
और मोमेंट आर्म एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मगर जब ये टर्न करेगी तो फोर्स के साथ हम सिर्फ और सिर्फ इस मोमेंट आर्म का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना चाहते हैं। तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसकी हाइपोटेन्यूज ए ओवर टू है और ये एंगल अल्फा बना रहा है। अब इसके दो कंपोनेंट्स इसको रिजॉल्व कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स में। ये वाला कंपोनेंट है ए ओवर टू कॉस अल्फा और ये वाला कंपोनेंट है ए ओवर टू साइन अल्फा। नॉर्मली क्या होता है, साइन अल्फा हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मगर इस केस में ऐसा नहीं है। हमने एंगल इस तरह लिया है कि हमारा जो कॉस है ये फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए अगर मैंने टॉर्क लेना है टॉर्क वन तो मैं सिंपली F1 को, अब मैंने ये F2 के लिए किया है इसलिए मैं इसको 2 कैलकुलेट कर लेती हूँ। F2 मल्टीप्लाई कर दूंगी A ओवर 2 cos अल्फा के साथ और फोर्स किसके बराबर है, ये मेरा फोर्स है, दोनों केसेस में फोर्स सेम है, BIL के बराबर है क्योंकि साइन हमेशा 90 डिग्री होगा, लेंथ और B के दरमियान एंगल हमेशा 90 रहेगा, तो इसलिए मैं ये 90 नहीं लिखती। फिर BIL मेरा फोर्स है, BIL A ओवर 2 कॉस अल्फा टॉर्क 2 है और टॉर्क 1 भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसके बराबर होगा अगर हम ये वाली ट्रायंगल कंसिडर करके ये सारी कैलकुलेशंस करें। टोटल टॉर्क इन दोनों का सम है जो कि हमारे पास बनता है बी आई एल ए कॉस अल्फा। ये हमारे पास टॉर्क आ गया। अगर हम लेंथ और इस ये जो इसकी वर्टिकल हाइट है और जो इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ है ए और इसकी जो वर्टिकल हाइट एल है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस पूरी चीज का एरिया आ जाएगा, इस वायर का जो हमने लूप बनाया स्क्वायर लूप इसका एरिया आ जाएगा, इसलिए हम इसको ए कह के इस पूरी चीज को ए कह देते हैं और हम बी आई ए कॉस अल्फा भी कह सकते हैं इस टॉर्क को। तो ये थी हमारी टॉर्क की कैलकुलेशंस। लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैज करंट डायरेक्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप व्हेन हेल्ड वर्टिकली, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम बिलो द कंडक्टर। यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और ये ऊपर देख रहा है, उसको क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जाएगी। राइट हैंड से हमें पता चलता है अंगूठा डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह आएंगी। तो इस बंदे को कैसी नजर आएंगी, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज? एंटी क्लॉक वाइज। तो हमारा करेक्ट आंसर एंटी क्लॉक वाइज है। Two long parallel wires, one and two, repel each other. What could be the reason? Both carry current in the same direction, both carry current in the opposite direction. Wire 1 has current but wire 2 has no current, या wire 2 has current, wire 1 has no current. तो हम पहला केस लेते हैं जिसमें दो वायर्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में उनके अंदर करंट जा रहा है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम राइट हैंड रूल से देखते हैं, इसके गिर्द अलॉन्ग टेंजेंट होगी, एक सर्कल एक सर्कल की फॉर्म में होगी परपेंडिकुलर, और दोनों में एक ही डायरेक्शन करंट की है तो मैग्नेटिक फील्ड की भी एक ही डायरेक्शन होगी। मगर हम देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रही है इस पॉइंट पे और इधर ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जा रही है, तो ये एक दूसरे को अपोज करेंगे और फील्ड लाइन एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, और जहां पर फील्ड वीक होती है कंडक्टर्स उसी की तरफ मूव करते हैं वीक मैग्नेटिक फील्ड को कवर करने के लिए, तो इसलिए इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब अगर इनमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा होता तो राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरह आएंगी कि ये दोनों फील्ड लाइन्स बीच में जाके एक दूसरे को री एनफोर्स करेंगे, यानी यहां पर फील्ड स्ट्रांग होगी जिसकी वजह से मैग्नेटिक ये कंडक्टर वीक फील्ड की तरफ जाएगा जो कि अवे है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। इसलिए हमारा ऑप्शन ए ठीक है कि अगर वो अट्रैक्ट रिपेल कर रही हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही होंगी जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। A solenoid is cut into two halves. Magnetic induction due to the same current in each half will be. एक solenoid था हमारे पास, उसमें से एक current गुजरा था I. अब हमने उस solenoid को बीच में से half कर दिया, हमारे पास दो solenoid आ गए छोटे और उनमें हम उतना ही current, दोनों में I current ही flow कर रहा है, यानी current का जो source था वो वही रहा, दोनों में एक जितना current flow कर रहा है, तो उस अब magnetic field solenoid की एक magnetic field होती है जैसे bar magnet की होती है, इन छोटे वाले सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा, क्या वो स्ट्रांग हो जाएगी या वो कमजोर हो जाएगी। हम देखते हैं फॉर्मूला मैग्नेटिक इंडक्शन का सोलेनोइड के लिए होता है म्यू नॉट एन आई और एल, एल उसकी लेंथ होती है सोलेनोइड की, आई करंट होता है जो एक लूप में से गुजरा होता है। हमने क्या किया, लेंथ को हमने हाफ कर दिया, करंट उतना ही रहा
एक लूप में से उतना ही करंट गुजर रहा है आई, और एन क्या था, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ सेम रहेंगे क्योंकि ये ऐसा है जैसे डेंसिटी होती है पर यूनिट लेंथ है, और म्यू नॉट एक कॉन्स्टेंट है। इससे हम देख सकते हैं कि ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो गई, डिवाइडेड बाई टू हो गई, इसलिए हमारा ऑप्शन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड हाफ ऑफ द ओरिजिनल हो जाएगी, जितनी पहले थी अब उसकी आधी रह गई। सोलेनॉइड 14 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 300 टर्न्स ऑफ वायर, करंट 5 एम्पेयर फ्लो करता है थ्रू लेंथ एल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। हम वही वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे, म्यू नॉट एन आई एल, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें म्यू नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें हमें गिवन है, लेंथ थी 14 सेंटीमीटर, करंट कितना है 5 एम्पेयर, 14 सेंटीमीटर के 300 टर्न्स ऑफ वायर हैं। अब इसमें ध्यान करना है n जो है वो नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ होते हैं, तो 300 14 सेंटीमीटर की वायर के अंदर हैं, यहां से हम पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ लूप्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, हमने b फाइंड करना है। सबसे पहले हम n कैलकुलेट कर देते हैं, 14 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का मतलब होता है 1400, 0 0 से कट जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 14, 3 डिवाइडेड बाय 14, 14 14 से कट जाएगा, ठीक है, इसके बजाय हम 300 लिख देते हैं ऊपर, म्यू नॉट 5 एम्पेयर 300, और म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए जो कि मुझे नहीं पता, मैं बुक में से देखती हूँ। म्यू नॉट क्या होता है, हाँ 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, म्यू नॉट होता है 4 पाई 10 टू पावर माइनस 7 पर एम्पेयर वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, इसको मल्टीप्लाई करें जी 5 के साथ, 4 5 जर 20, 2 3 जर 12, 120, 100 100, माइनस 7 था 1.2 पाई 10 रेस टू पावर 4 पॉइंट द मूव के 3 रह गया माइनस 3, पाई की क्या वैल्यू होती है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड हैज डबल्ड बट द करंट इन द कॉइल एंड रेडियस ऑफ द कॉइल रिमेन सेम, करंट सेम है रेडियस सेम है, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल। नंबर ऑफ कॉइल्स हम डबल कर देंगे, रेडियस सेम रहेगा, एन म्यू नॉट आई एल बी के बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स जब हम डबल कर देंगे तो करंट डबल खुद ही हो जाएगा क्योंकि हर में से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो डबल हो जाएगी, डबल्ड।